अपन एक काम करते अपन छत पे आते खाना खाने को, चलो भाव चलो। अरे भाव समझा करो ना, कुछ कुछ प्राइवेट में बात है, चलो ना भाव चलो। ये कोई टेंशन है? टेंशन ही तो है भाव। अरे भाव भाव चलो ना ऊपर यार, कोई कोई राह देख रहा है भाव। कौन राह देख रहा है भाव, समझा करो, चलो राह देख रहा है भाव। भाव तुम जाते हो या वहनी को दोबारा भेजू गाना गाने को? भाव भाव चलो ना ऊपर यार, कोई कोई राह देख रहा है भाव। तेरी आई साहब की तबीयत कैसी है? आई आई कब बीमार पड़ी? तेरा भाई स्कूल जा रहा ना? जाओ साहब, और कितना इंतजार कराओगे? कोई राह देख रहा है? अच्छा, तो उस बाजी के बच्चे ने सारे गांव को बता दिया है। जाओगे ना साहब? नहीं, ठीक है, मैं सबके साथ खाना लगा देती हूँ।
पाए अच्छा लगा। मैं आपके साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहती थी। देखिए देखिए उस चांद को, कितना सुंदर लग रहा है। सोचा था इस चांद की रोशनी में आपको देखूंगी, सोचा था कि शायद इस चांद की रोशनी में आप शांत हो जाएंगे, शायद शायद आप मुझे माफ करेंगे। सुप्रिया, मैं तुम पर नाराज नहीं हूं, पर क्या खाना खा लेते हैं? एक शर्त है, खाने का पहला निवाला आप मेरे हाथ से लेंगे। नहीं, आप अब भी मुझसे नाराज है ना? आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे क्या? ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो बस एक निवाला मेरे हाथ से। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं जानती हूं मैंने आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। उस दिन आप आए, अपने दिल की बात आपने मुझसे कही, मुझसे वादा किया। एक बार किसी को अपना लिया तो उसके लिए जान भी दे देता है। ये दत्ता श्रीराम पाटिल का नहीं, आपके होने वाले पति का वादा है। पर मैं आपसे कुछ नहीं कह सकी। सुप्रिया, मैं हमेशा सीधी और सटीक बात करता हूं, चिकनी चुपड़ी बातें मुझे आती नहीं। यही तो मैं नहीं जानती थी।
मैं नहीं जानती थी कि आप जो कुछ भी कहते हैं दिल से कहते हैं। बाहर से आप बहुत सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से आपका दिल फूलों सा नाजुक है। तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं मेरा दिल कैसा है। एक औरत आदमी के दिल को समझ सकती है, सिर्फ उसे कुछ कह नहीं पाती। मुझ पर जब जब हमला हुआ मैंने आपकी आंखों में कुछ देखा, मगर उस दिन के बाद मैं इतना डर गई थी कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाई। पर आज मैं समझता हूं तुम्हें कुछ और कहना है।